ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रन सिमुलेटर। तो गाइज लास्ट एपिसोड में सारे के सारे पिक्स को मार के हम लोगों ने कूलर्स के अंदर भर दिया था। एंड गाइज यार, यहाँ पर हम लोग हमारी एक बीफ फैक्ट्री पे काम कर रहे थे ताकि हम लोग उसके अंदर बीफ्स ला के रख सके। तो गाइज आज हम लोग इस वाली बीफ फैक्ट्री को जो है पूरा का पूरा फिनिश करने वाले हैं, और इसके लिए मेरे को प्लैंक्स लेकर आने थे। प्लैंक्स तो वैसे साइड में रखे हुए हैं, तो लाने की जरूरत है नहीं, यहीं पर सारा काम अपना हो जाएगा। इसके बनने के बाद में हम लोग यहाँ पर बीफ ला के रखेंगे, ठीक है। और कलरिंग वगैरह भी अगर इस एपिसोड में कवर हो गया तो अपन कर देंगे, तो कोई सीन नहीं है। तो अभी फटाफट से पहले चीजों में यहाँ पे करने वाला हूँ ना, जितना भी यहाँ पे प्लैंक है इसको निकालता हूँ यहाँ से एक एक करके, और इसको पूरा फिनिश करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये करना भाई बहुत जरूरी है, और मेरे को ना ऑफलाइन बैठ के टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं कर पाया। तो अभी आज हम लोग इसका जो है पूरा का पूरा काम यहाँ पे निपटाने वाले हैं। इसको कर देता हूँ यहाँ पर पूरा, और यहाँ से निकालते हैं और काफी सारा प्लैंक। वैसे तो काफी आसान है इसको कलर, आई मीन कलर कह रहा हूँ मैं, पूरा का पूरा इसको बिल्ड करना अपने को, बस प्लैंक निकाल के ना यहाँ पे लगाना। चलो तो गाइज यहाँ पे लास्ट वॉल फ्रेम बचा हुआ है, इसका पूरा काम हो चुका है। यहाँ पे मैं ना प्लैंक्स लाना जो है ना शुरू कर देता हूँ, उसके बाद में अपने को सिर्फ ग्लास डालना रहेगा। एंड आई थिंक शायद मेरे को ग्लास की कमी हो सकती है, क्योंकि मेरे पे ज़्यादा ग्लास है नहीं। यस, मेरे को ग्लास लेकर आना पड़ेगा। और रुक जाओ ज़रा, यहाँ पे ना पहले अपन जो अंदर की दीवार है ना, इनको भी साथ साथ पूरा कर देते, क्योंकि इनके लिए अपने को गेट भी यहाँ पे लगाने पड़ेंगे अभी, इसलिए समझ रहे हो। और लाइटें तो यार इनको बाद में ही पूरा करूँगा, अभी ज़रूरत है नहीं। एक सेकेंड भाई, उधर उधर कहाँ भाग रहा हूँ, प्लैंक तो ज़रा रखा हुआ है यार। लेकिन मेरे को पता सीन क्या हो रखा है अभी, मैं ना चीज़ बना पा रहा हूँ ना मीट बॉल्स बना पा रहा हूँ, भाई बहुत टाइम लगेगा सारी चीज़ें करने में इस बार तो अपने को। चलो ये तो हो गया है, यहाँ पे मैं जो जितना भी प्लैंक आ सकता है ना सारा इसके अंदर भी भर देता हूँ। गाइस जिस तरह से यहाँ पे प्लैंक जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है ना, उस हिसाब से मेरे को ये लग रहा है कि ना ये जो प्लैंक मैं लेकर आ रखा हूँ ना, ये भी इनफ नहीं होने वाला, समझ रहे हो तुम लोग। क्योंकि मैंने ये वाला भी फ्लोर तोड़ा नहीं है, इसके ऊपर मेरे को ना अभी ऊपर भी लगाना पड़ेगा प्लैंक। यार भाई बहुत दिक्कत होने वाली है, मेरे को प्लैंक भी लेकर आना पड़ेगा, सारा काम एक साथ करना पड़ेगा आज। तो चलो ठीक है, कर देंगे, कोई सीन नहीं इतना तो। और इसमें लगाने का बचा हुआ है अभी, और उसके साइड में भी करना पड़ेगा, बस ये बीच वाले जो जगह है ना ये बचने वाली है। तो मेरे को यहाँ पे स्टेयर्स वगैरह लगा के ऊपर से सारा काम निपटाना पड़ेगा मेरे को यहाँ का। और रुको, ये लास्ट वाला बचा हुआ है, इसको जरा अंदर से जाके ना यहाँ पे पूरा कर देता हूँ मैं इसको। ये लग गया इधर, और ये हो गया पूरा, ठीक है। अभी मेरे को पूरा काम जो है ना बाहर का करना पड़ेगा, और मेटल तो मेरे पे है वैसे। एक काम करते हैं ना, यहाँ मेटल अपने बहुत सारा रखा हुआ है, तो लाइटें तो अपन पूरी कर देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि लाइटें जलाना ज़रूरी है भाई, नहीं तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा यहाँ पर, समझ रहे हो। इसको जला देता हूँ, इसको जला देता हूँ, और इसको जला देता हूँ, इसको भी जला देते हैं, ये जला देते हैं, ये जल गई, और ये दोनों भी अपन यहाँ पे ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब इससे क्या ना थोड़ा अच्छा लुक आएगा हमारे इस बांध के अंदर, अभी देख रहे हो गाइस काफ़ी बेहतर लग रहा है अंदर से। पहले वो लाइनें से आ रही थी काली काली लाइनें, अभी ठीक है। और यहाँ से अपन लेते हैं इसको, और इसको लगाते हैं यहाँ पर, एंड इसको करते हैं अपन ऑन। देखो गाइस अभी काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है पहले से, देख रहे हो। पहले लाइटों में क्या, लाइट जब नहीं लगा रखी थी तो ऐसा हो रहा था अंधेरा में ना, थोड़ी लाइट है मतलब वो, ये देख रहे हो यहाँ पे भी पहले लाइनें आ रही थी ना, देख रहे हो इस साइड में जैसे लाइनें आ रही है अंधेरे वाली, इधर कोई लाइन नहीं आ रही अभी, ठीक है। तो उजाले में भाई ज़्यादा बेहतर लगता है ये। और अभी मेरे को क्या करने का है ना, मेरे को लेकर आना है प्लैंक्स, और ग्लास भी मेरे को लेकर आना है। एक्चुअली अपन पता है क्या, ग्लास सेल कर सकते हैं अपन, मेटल को सेल नहीं कर सकते, तो अपने को मेटल यूज़ करना पड़ेगा भाई हर चीज़ के अंदर। तो अभी फटाफट से अपन लोग निकलते हैं हमारी इस गाड़ी को लेकर। मेरी गाड़ी में तेल तो है वैसे, बाद में देखते हैं तेल वेल का, या फिर अभी भरवा लेंगे, रुक जाओ ज़रा। चलो तो एक काम करता हूँ मैं ना, ये गाड़ी को मेरे को पीछे घुमा के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को उसके अंदर तेल भरवाना भाई, तेल भरवाना ज़रूरी है अभी, ठीक है। एंड आई थिंक अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना इस वीडियो को, तो नेक्स्ट डे जो है इसका अपडेट आने वाला है गेम का, तो मे बी ये वीडियो जो है मैं काफ़ी बाद में डालूँ, क्योंकि यार देखो मेरे को अपडेट पहले डालना है इसलिए। चलो इसको यहाँ पर, अरे क्या दिक्कत हो रही है भाई, इसको कर देना इसके अंदर ऐड। चलो इसको भरने देते हैं यहाँ पर, ये ज़रा फुल हो जाए, हो गया पूरा, ठीक है बहुत बढ़िया। इसको घुमाते हैं इधर, और आराम से इसको ले जाते हुए, चलो बहुत बढ़िया। अभी मेरे को ना प्लैंक्स लेकर आना है बहुत सारे, और उसी के साथ साथ मेरे को यहाँ पे ग्लास भी लेकर आना है। अभी अपन फटाफट से पहुँचते हैं भाई स्टोर के पास में, लेकिन भाई दिक्कत ये है ना, गाड़ी पता नहीं कहाँ कहाँ ठुकती रहती है भाई बिन बात के। देख मतलब ऐसा कुछ ना कुछ होना होता है जानबूझ के कि ना गाड़ी ठुके कहीं ना कहीं जाके। भाई रुको आराम से भाई, क्या बोलूँ मैं तो, बस रहन दो भाई, कुछ नहीं कहना चाह रहा मैं इस बारे में। और मैंने काफ़ी टाइम से अपनी मशीन्स का भी चेक नहीं करा, मेरे को वो भी देखना पड़ेगा जाके उनका क्या सीन चल रखा है। यहाँ से घुमाते हैं आराम से, इस गाड़ी को पूरा घुमा के लेके जाऊँगा तभी। अबे यार इस गेम ने ना अलग ही दिमाग ख़राब कर रखा है भाई, कसम से। घूम जा, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। निकलते हैं यहाँ से, और फटाफट से जाकर हम लोग निकालते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा प्लैंक्स।
चलो गाइस इसको पूरा भर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने कर लिया है 100 चेकआउट, आई मीन 100 चेकआउट कह रहा हूँ, 100 मैंने सेट खरीद लिए यहाँ पे प्लैंक से। इनको अपने को फटाफट से लोड करना, और उसी के साथ मैं ग्लास ना एक काम करूँगा लास्ट में खरीदूंगा, क्योंकि ना अभी इसके अंदर मिक्सअप हो जाएगा ना सारा, तो फिर मैं इनको सेट नहीं कर पाऊंगा अच्छे से। लाइक कभी उस पर क्लिक होएगा, कभी उस पर क्लिक होएगा, समझ रहे हो? इसलिए तो इनको फटाफट से अपन यहाँ पे जो है लोड कर लेता हूँ। हेलो तो गाइस, मैंने यहाँ पे सारे के सारे प्लैंक्स को भी यहाँ पे लोड कर लिया है, और अभी मेरे को ना थोड़े बहुत ग्लासेस खरीदने हैं, और आई थिंक मेरे को पता नहीं कितना सारा टाइम हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पे। चलो अभी ना ग्लास मैं यहाँ पे खरीद लेता हूँ। कितने चाहिए रहेंगे वैसे मेरे ग्लास? आई थिंक 4 या 5 सेट, यार 4-5 सेट ज़्यादा हो जाएंगे मेरे को ऐसा लग रहा है ना। यहाँ पे मैंने खरीद लिया है 5 सेट ऑफ ग्लासेस, क्योंकि भाई ग्लास के ना कभी भी कमी पड़ सकती है इसलिए, और अपने को बहुत सारा चाहिए रहता है, क्योंकि हम जो भी बना रहे हैं ना वो सारा कुछ ग्लास वाला बना रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं ज़्यादा ग्लास लेके जाने वाला हूँ अभी भी। और लेट्स गो बॉयज, अभी अपन फटाफट से इसको मैं ज़रा ऑफ कर, आई मीन इसको बंद कर देता हूँ, एंड लेट्स गो, अभी अपन घर जा रहे हैं। आई थिंक इतना प्लैंक जो है शायद से इनफ होना चाहिए मेरे हिसाब से, और आई थिंक कॉन्क्रीट भी अपने को चाहिए रहेगा यार, या फिर मेरे पे कॉन्क्रीट रखा होगा घर पे, मेरे को एक्चुअली याद नहीं अच्छे से। अगर चाहिए रहेगा तो चलो वापस आ जाएंगे, कोई सीन नहीं। इतना फटाफट से पहुँचते हैं हमारे रॉन्च पे, भाई बहुत काम करना है आज अपने को यार। एक सेकेंड आराम से घुमा ले भाई, गाड़ी का कुछ तो कर दो प्लीज़ यार, चलो गाड़ी ढंग से नहीं चलती है इसके अंदर। चलो 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 सीधा निकलते हैं यहाँ से, और एक बार मैं फैक्ट्री भी देख लेता हूँ अपनी, जो ऑयल वाली फैक्ट्री कह रहा हूँ, ड्रिल मशीन जो है उसको भी चेक कर लेता हूँ एक बार जाके मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपने को बार बार इधर की साइड में आना पड़े। आई थिंक चल रही है तो अच्छी खासी, तो कोई सीन नहीं है इतना, चलने तो इसको अभी फ़िलहाल। तो अपन निकलते हैं यार, यहाँ से रास्ता होगा क्या उसे जाने का? चलो रास्ता तो है, तो कोई सीन नहीं इतना, लेट्स गो। ये आ गया अपना यहाँ पे बगल में रांच, आराम से ओए 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 ओए, आराम से आराम से आराम से, ओके बहुत बढ़िया भाई, बस सीन बैठ जाता। चलो अभी ओए दिख 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 दिख, जानबूझ के आ रहा है, जानबूझ के आ रहा भाई। और एक और ना किसी भाई ने कमेंट बोला था कि ना ये जो दीवारें लगाई है मैंने यहाँ पर हमारे गराज के अंदर, इसको तोड़ दूँ मैं, क्योंकि इससे ना आसानी से अपने को फिर ना ये जो पार्क करना रहेगा ना वो आसान हो जाएगा इसलिए। तो यार तुमने बोला तो सही है, फिर एक काम करता हूँ मैं ना साइड साइड की हटा देता हूँ, बीच की रहने दूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं गाड़ी रखने वाला हूँ, इसलिए अपनी जो मेन गाड़ी है ना वो रखूँगा वहाँ पे। बाकी ये हटा देता हूँ क्योंकि ना थोड़ी दिक्कत आती है, ये देखूँ देख रहे हो ट्रेलर कैसे निकल के जाता है भाई बाहर यहाँ से, तो इसके लिए ये वाली चीज़ तो तुमने सही बोली है, थैंक यू सो मच। इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और नाइस मेरे को फिर से अटका दिया इसने। रुको गाइस मैं ना एक काम करता हूँ, इनको भी उठा के ना साथ में लेके चल लेता हूँ अपने, क्योंकि यार वहाँ पे फिर मेरे को बार बार जो है ना यहाँ पे आना पड़ेगा सारा सब कुछ कलेक्ट करने के लिए। ये उठा लिया, और इसको भी यहाँ से उठा लेता हूँ। भाई 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 कहाँ जा रहा है? ठीक है, शाम का टाइम हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी यहाँ पे लगता है। इसको मैं फटाफट से इसके, ये देख ये देख ये देख, उस दिन जब मैं कर रहा था ना तब ये नहीं हो रहा था, आज ये हो रहा है भाई, सही है। चलो अभी फटाफट से निकलते हैं, और मेरे को सोना भी पड़ेगा, तो यार एक 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 काम करता हूँ, घर पे आकर नहीं सो रहा भाई मैं, ठीक है? अभी थोड़ा काम करना है अपने को इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं घर पे आकर नहीं सोने वाला फिलहाल के लिए। यहाँ से निकलते हैं, और हमारा एक बैग रखा होगा ना इसके अंदर, रुको इसको निकाल देता हूँ और इसको यहाँ पे बिछा देता हूँ, ठीक है? तब भी नींद आएगी अपन यहाँ पर आ जाएंगे, और इसमें 11 ऑलरेडी रखा हुआ है, तो अपन इसको भी ज़रा यहाँ पे भर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं फटाफट से। इधर लग जाएगा, इधर भी लग, ओए हाँ प्लैंक तो मैं नीचे से भी लगा सकता हूँ ना डायरेक्टली, मेरे को लाइक वैसे नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। हाँ हाँ ये सही है, रुक जाओ रुक जाओ गाइस, अपन यहाँ से ना सारी चीज़ें कर सकते हैं, देख रहे हो यहाँ से अपन सारा कुछ प्लेस कर सकते हैं अंदर। और रुक जाओ गाइस, आराम आराम करते थोड़ी देर के लिए भाई, बहुत नींद आ रही है। चलो गाइस गुड नाइट, एंड उसी के साथ साथ बहुत जल्दी इसमें गुड मॉर्निंग हो जाती है, तो बहुत बढ़िया। चलो अभी निकलते हैं, और यहाँ पे इनको ना प्लैंक्स को मैं लगाना शुरू कर देता हूँ इसमें, तो चलो लग जाएगा, 6 लग गया उसके अंदर ऑलरेडी। और यहाँ से अपन थोड़े बहुत और लेते हैं, इसको यहाँ लगाते हैं, इसको यहाँ लगाते हैं, भाई बहुत सारा चाहिए यार। और एक काम करता हूँ, पहले ग्लास का काम कर लेता हूँ मैं, ठीक है? इसको यहाँ लगा देता हूँ, ये पूरा हो गया, ये भी पूरा हो जाना चाहिए था पर नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ चलो ये पूरा हो चुका है, और मेरे को और भी काफ़ी सारा ग्लास चाहिए रहेगा आई थिंक, वैसे तो काम हो जाना चाहिए इसके अंदर अपना। रुको यहाँ से अगर मैं प्लेस करता हूँ तो यार 20 ग्लास तो कम पड़ रहा है लेकिन, है लाइक 20 ग्लास तो कसम से बहुत कम पड़ रहा है। इसको भी यहाँ लगा दिया मैंने, ये भी इधर हो गया भाई, मैंने जैसे बोला प्लैंक्स लगाने उसी टाइम पे बारिश भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है भाई, हद है मतलब। मौसम भी नहीं चाह रहा कि मैं कुछ बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ भाई, यहाँ पर पता नहीं क्या सीन चल रहा है भाई। चलो इधर का पूरा हो चुका है, इधर का कर देता हूँ, 3 और बचे हैं, 3 के लिए मेरे को और प्लैंक चाहिए रहेगा। पर पता है क्या, एक चीज़ मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, मेरा जो घोड़ा है ना भाई, उसको मैंने काफ़ी टाइम से खाना नहीं दिया, ठीक है? और ये घोड़ा अभी तक जिंदा है भाई कसम से, और मेरे को लग रहा है कि मैंने अभी जिसकी थोड़ी बहुत तारीफ़ कर दिया ना कि सर्वाइव कर रहा अच्छा खासा, अब थोड़ा टाइम बाद ना ये ठिलने वाला है, मैं गारंटी दे ही कह सकता हूँ सारी चीज़ें, समझ रहे हो तुम? रुको इसमें भी ग्लास लगाना पड़ेगा, तो मैं ग्लास निकाल लेता हूँ। एक ग्लास मैंने
चार ही बचे हैं यार इसमें तो, चार तो आई थिंक यूँ ही ख़त्म हो जाएंगे भाई, चार तो कुछ काम के नहीं है चार तो। मेरे को और भी काफ़ी सारा चेयर आएगा, यहाँ से निकाल लेता हूँ इसको मैं, और अभी सिर्फ बाहर का काम बचा है, बाकी अपना सारा कुछ जो भी काम था ना यहाँ पर गाइस हो चुका है। और आई थिंक इधर भी ओके, ये ग्लासेस बचे हुए इनको भी मैं ज़रा पूरा कर देता हूँ, ये भी पूरा हो चुका है। और अच्छा हाँ, इस साइड में तो ग्लासेस लगाना है मेरे को, ये तो मैं भूल ही गया था। अभी तो भाई बहुत सारा ग्लास लगने वाला है, मतलब देख रहे हो मैं, अच्छा है मैं ना पहले दो सेट लेकर आने वाला था, अच्छा क्या ना पाँच ले आया भाई, मतलब बहुत सारा प्लान वो लग रहा है भाई इसमें तो, ग्लास भी देख रहे हो। ग्लास का काम हो चुका है, अभी अपने को सिर्फ प्लैंक्स लगाने हैं यहाँ से उठा उठा के, और आई थिंक दो में काम हो जाना चाहिए शायद से मेरा, यस आई थिंक इनफ रहेगा। और अभी मेरे को अंदर ना गेट भी बनाना है भाई, क्योंकि अगर वीफ लेकर आएंगे तो भाई वो तो भाग जाएंगे ना यहाँ से, तो अपने को गेट बनाना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मैं ना यहाँ की फेंसिंग भी पूरी कर देता हूँ, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, अदरवाइज़ भाई फेंसिंग के बिना तो भाई मतलब काउंस वगैरह कहीं पर भाग सकते हैं ना यहाँ से। इसलिए इसके अंदर जो प्लैंक बचा हुआ है ना, काम करता हूँ इसी को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, क्या बार बार वहाँ से लेकर आऊँ, इससे बढ़िया तो यहीं बगल में से या न यूज़ कर लूँ मैं इसको, है ऐसे क्या। इस बारिश का मौसम देख रहे हो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है भाई, यहाँ पे मौसम एक नंबर का हो रखा बारिश का, लेकिन पता नहीं चल रहा ऊपर से बारिश नहीं हो तो रही है भाई, बारिश तो हो रही है लेकिन मौसम देख रहा हूँ, बादल देखो कैसे मूव कर रहे भाई, एकदम रियल में जो नहीं करते वैसे, एक सेकेंड हाँ काइंड ऑफ ठीक है भाई रुक जाओ ज़रा, ये क्यों लगा रखा है मैंने, इसको हटा देता हूँ मैं, ये इसको भी हटा देता हूँ, ये फालतू है बीच में, ये रास्ता रोक रहे हैं भाई, यहाँ से अपना वो रास्ता रहेगा ना इसलिए हमारी फैक्ट्रीज़ के लिए। इसको मैं कहाँ लगाऊँ, ये तो प्लान का तो काम हो चुका है मेरा अभी फ़िलहाल तो सारा का सारा, इसको चलो यहाँ लगा देता हूँ। और यहाँ पर अपने को दरवाजे बनाने पड़ेंगे इसके लिए, तो ये निकालते हैं और इसमें जाके अपन ऐड करने वाले हैं ये फेंसिंग गेट्स, तो यहाँ से अपन शुरू करने वाले हैं। एक सेकंड रुको, एक दो तीन तो छः काउज लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि तीन में हमारी एक कैन भर जाती है दूध की, इसलिए रुक जाओ इसको थोड़ा अच्छे से लगाना है मेरे को यार, मैं कोई भी दिक्कत नहीं चाहता इसमें, क्योंकि आगे से ना फिर इस टेढ़ा मेढ़ा से बन जाता है, इसलिए समझ रहे हो, इसको अच्छे से अटैच कर दूंगा मैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। और रुक जाओ देखने तो अच्छे से लगेगा कि नहीं, अभी ये चलो लग गया है मेरे हिसाब से, लग गया है, इसको तोड़ता हूँ और नहीं यार थोड़ा सा गैप बचा है, चलेगा इतना गैप चलता है, कोई सीन नहीं इतना। और मेरे को यहाँ से लगानी पड़ेगी, रुको एक मिनट, अगर मैं इसको इस तरह से लगाऊँ यहाँ से घुमा के तो क्या अच्छे से लग पाएगा ये, रुको थोड़ा सा टेढ़ा सा होता है भाई, पता नहीं क्यों मैं तो सही लगाता हूँ उसके बाद भी। और एक सेकंड इसको वापस क्लिक करके यहाँ पे लगा देते हैं, आई थिंक ये वाला परफेक्ट लगा है भाई, थोड़ा सा अंदर जा रहा है ये तो बल्कि, बट ठीक है दैट्स ओके। अभी मैं फटाफट से जो है यहाँ पे प्लैंक्स लगा देते हैं, एक में यार छः लगता है ऐसे जैसे मुझे पता है भाई, सात लगता, ओह माई गॉड गाइज भाई कुछ ज़्यादा प्लैंक नहीं लगता, रुको कितने चाहिए मेरे को, पाँच सेट चाहिए रहेंगे, ठीक है रुक जाओ एक सेकेंड, इसको यहाँ लगा देता हूँ, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए और पांच हो गए, एक सेकंड गाइस तुम मौसम देख रहे हो बारिश के बाद कितना तगड़ा हो गया भाई, कसम से भाई बादल देखो कितना सही लग रहे हैं बारिश खत्म होने के बाद, है इसकी आँख भाई कितना सही लग रहा है भाई कसम से यार। चलो अभी यहाँ पे अपने को प्लैंक लगाने बाकी हैं सारे के सारे, इनको लगाना शुरू कर देते हैं, एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा, और यहाँ से ले जाते हैं इसको उधर, यार इसको कलर भी अभी करूँ क्या यार मैं चलो कर देंगे कोई सीन है, पहले मैं बीफ लेकर आऊँगा उसके बाद में कलरिंग करेंगे, ठीक है गाइस। पांच तो हो गया इसके अंदर, एक और लगा देता हूँ, उल्टा लगा दिया क्या मैंने यार ये, उल्टा लगा दिया, मेरे को उस साइड से लगाना चाहिए था है ना, चलो कोई सीन नहीं है देखी जाएगी भाई, वैसे सही तो यार नॉट बैड बढ़िया है, पर मैंने थोड़ा उल्टा लगा दिया मेरे को ऐसा लग रहा है, बाद में ठीक कर देंगे अगर करना रहेगा तो, बाकी ठीक है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डबल मेहनत करनी पड़ेगी भाई फालतू में इतनी। चलो अभी मेरे को बताओ गाइस हमारी जो फैक्ट्री है वो कैसी लग रही है भाई, लुक एट द फैक्ट्री गाइस, पूरी की पूरी फिनिश कर दी है और बहुत ही ज़्यादा सही लग रही है मेरे को, तो तुम मेरे को एक बार बताओ कैसी लग रही है, आई डोंट नो मेरे को तो ठीक ठाक लग रही है, नॉट बैड कि हाँ अपन ने कुछ नया ट्राई किया इस बार, अदरवाइज अपन सेम चीज़ ही बनाते रहते हैं, वैसे तो सेम ही है ये भी बस यू नो नीचे बना रखी ही है, पर ठीक है यार इसमें ज़्यादा कस्टमाइजेबल चीज़ें कर नहीं सकते अपन, तो सारी सारी सेम फैक्ट्रीज ही बनेंगी, अब क्या ही कर सकते हैं इसके अंदर, अपने को बस बीफ लेकर आनी है बीफ काउज। चलो इसको मैं छोड़ देता हूँ इस ट्रेलर को हटा के, और कलर मेरे पे ऑलरेडी रखा हुआ येल्लो करूँगा इस वाली बीफ फैक्ट्री को मैं, ठीक है येल्लो करूँगा। और अपने ना अभी तक जो हमारी मुर्गियों का वो है ना वो भी कलर नहीं किया मैंने शायद से, या फिर कर दिया मेरे को याद नहीं है, अरे यार वो भी कलर नहीं किया मैंने अभी तक, रुको भाई उसको भी येलो कर देता हूँ, और जो बीफ फैक्ट्री है उसको भी येलो कर देंगे अपन, ठीक है रुको एक सेकंड, यहाँ से उधरते पहले गेम सेव कर लेता हूँ क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता भाई बिल्कुल भी अभी, तो यहाँ निकलते हैं और
इसको ले जाकर और हमारे जो, रुक जाओ, इसको साथ में ले जाने से बढ़िया तो मैं काम करता हूँ, मैं पैदल पैदल चले जाता हूँ भाई। चलो तो ये कर दिया अपन ने इसको पेंट और ये हो गई है येलो कलर की, ठीक है, बढ़िया भाई, नॉट बैड। लाइक थोड़ा अलग ही निखर के आ रहा है यहाँ पे कि हाँ भाई कुछ अलग ही बना रखा है, नहीं तो सारा कुछ मिक्सअप हो जाएगा भाई, वैसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और इस येलो कलर को मैं ना फिलहाल के लिए यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में अपने को ये वाली जो फैक्ट्री है इसको येलो कलर का ही करना है इसलिए। चलो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे को जो है ना हमारा एनिमल ट्रेलर है ना वो लेकर जाना है यहाँ से, क्योंकि अपने को बीफ काउस लेकर आनी है भाई, उसके अंदर 6 काउस चाहिए अपने को, एक बार में 5 ही लेकर आ सकते हैं अपन सिर्फ। आ जाओ भाई, चलो आराम से। यार ये वाला ट्रेलर क्यों अटक रहा है इसके अंदर, है नहीं अटकना चाहिए, इसके भी एक्चुअली साइड साइड से ना वो हटा देना चाहिए मेरे को ऐसा लगता है। रुक जाओ आराम से चलते हैं भाई, सजेशन से सिर्फ जो लाइक गेम को इम्प्रूव करने के लिए हो सकते हैं इसके अंदर, और क्या बोलूँ मैं तो बस। चलो अभी अपने को सिर्फ हमारे जनरल स्टोर पर पहुँचना भाई, मतलब हम काफ़ी टाइम बाद जनरल स्टोर जा रहे हैं, तुम लोग ये चीज़ देख रहे हो, काफ़ी टाइम बाद ब्रो। और इसके साथ साथ मैं काम करूँगा, कैंस वगैरह सब कुछ ले आऊँगा मैं अभी, ठीक है, अगर आ जाती है गाड़ी के अंदर तो। ओए 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 ओए, आराम से आराम से, उसकी वह इसकी भाई मुझे पुक जाता, ओए रुक जा आराम से भाई, मतलब कितनी ज़्यादा स्पीड में चल रही है ये। एक मिनट यार, ये वाला ना क्या सीन है इसका, ये ठीक नहीं करा अभी तक। आराम से यहाँ पर घुमाने का है, और चलो उतरता हूँ इससे मैं ज़रा, बस कुछ बग वगैरह ना हो जाए कि मैं पता नहीं कहाँ रांच पर पहुँच जाऊँ भाई, मेरा मन नहीं करता इतनी दूर से वापस आने का यहाँ पर, हाँ नहीं तो यार दिमाग ख़राब हो जाता है खाम खा। चलो यहाँ चलते हैं और हम ख़रीदने वाले हैं सिर्फ बीफ काउज ख़रीद रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि उससे अपने को दूध मिलेगा। बुल नहीं ख़रीद रहा क्योंकि भाई फिर उनकी तादाद बढ़ेगी और फिर मेरे को मारना पड़ेगा और फिर तुम लोग मेरे को बोलोगे, इसलिए तो वो नहीं करने वाला मैं। और इसी के साथ साथ मैं 2 कैन ख़रीदूँगा और 2 मशीन ख़रीदूँगा, ठीक है, क्योंकि सारा काम इसी से हो जाएगा अपना। ओ ये सब क्या है भाई, अरे अच्छा इसके अंदर ये सारे फीचर भी दे दिए क्या अपन, भाई बहुत बढ़िया है तो सही है। चलो 5,770 का यहाँ पे खर्चा हो रहा है टोटल, तो अपन ने यहाँ पे ख़रीद लिया सब कुछ, लेट्स गो। और अभी मेरे पास पैसा कितना बचा है वैसे, अच्छा मेरे पास अभी भी $28,000 बचे हुए हैं। ओए 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 रुक जा आराम से, बैठ इसमें बैठ, इधर आओ इसमें बैठो, बैठो बैठो आराम से बैठो, तुम भी बैठो आराम से, आ जाओ तुम भी बैठो, और तुम भी आ जाओ भाई इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आराम से बैठो आराम से। चलो बहुत बढ़िया, और इन मशीन्स को भी मैं ना यहाँ पे रख देता हूँ फिलहाल तो, आई थिंक हाँ काफ़ी स्पेस है इसके अंदर वैसे तो, कोई सीन नहीं इतना, 2 ही मशीन चाहिए और 2 ही कैन चाहिए मेरे को तो, ज़्यादा कोई वो बड़ी बात नहीं है, आराम से आ जाएगा सब कुछ। इसको यहाँ रखते हैं और इसको भी यहाँ पर अपन रख देते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं, और गाइस अभी अपन लोग ये देख रहे हो, ये लाइक क्या सीन है भाई इसका पता नहीं, मेरे को ना FEP में जाना पड़ेगा। और फॉग भाई, मतलब इसमें ये वाली चीज़ काफ़ी बढ़िया है कि बारिश होने के बाद में इसमें फॉग होती है, लाइक ठीक है अच्छे से बना रखा है सारा वेदर वाला सिस्टम इसके अंदर, लेकिन साला वो बस वो लाइटनिंग वाला सीन नहीं होना चाहिए इसके अंदर, वो सबसे बेकार वेदर लगता है भाई मेरे को। आराम से चलो, आराम से ठुकने का नहीं है, आराम से, बहुत बढ़िया। इतना घूम फिर के नहीं आना पड़ा भाई अपने को इस बार ना, बहुत आराम से आ गए अपन इस बार, चलो बहुत बढ़िया। एंड अभी अपन को अपनी जो, ओए ये रही हमारी बीफ भाई, अपन ने इसको क्लोज से नहीं देखा ना कभी, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं भाई अभी जानवर अपने जो हैं ये सारे के सारे। रुक जा आराम से, मेरे को लग रहा है ना कि गाड़ी को उतर के देखते क्या सीन है इसका, इसको उतारता हूँ नीचे, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। उधर उधर काम भाग रही हैं, इधर आराम से। अबे यार इनका खाने का भी तो बनाना पड़ेगा ना, अबे हाँ भाई भाई भाई, रुको गाइस रुको, आ जाओ अंदर आ जाओ, बहुत बढ़िया। चलो इसको कर देता हूँ मैं बंद, और लेट्स गो अभी अपनी बाकी की जो बीफ्स हैं उनको भी मैं निकाल लेता हूँ। अबे यार अभी मेरे को आगे लेना पड़ेगा इसको, यार मैंने इनका खाने का तो बनाया नहीं लेकिन अभी तक ना मेटल होगा क्या मेरे पे इनफ, मेरे को आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट। चलो तो इस बीफ को भी मैं यहाँ पे अंदर रख देता हूँ, एक और मेरे को बीफ लानी पड़ेगी अभी क्योंकि एक की कमी हो रही है, बाकी तो अपना सारा काम हो चुका है। आ जाओ जल्दी से इधर, आ जाओ आराम से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरफ अरे यार ये दरवाज़ा बाहर की साइड क्यों नहीं खुलता। चलो आई थिंक अभी काम हो चुका है अपना, और जो मशीन वगैरह है ना इनको भी मैं यहाँ ला के रख देता हूँ, कैंस निकाल लेता हूँ, मशीन्स निकाल लेता हूँ। और कहाँ हो तो वैसे अपन उसको अपनी गाड़ी में भी ला सकते हैं, तो ट्रेलर में वापस रख दूंगा वहाँ पे, ठीक है। इसको अपन सबसे पहले, ओ यार ये रखने से पहले ना एक और चीज़ मेरे को करनी है, इनका जो खाने का सीन है ना भाई वो बिठाना पड़ेगा, नहीं तो यार लेकिन उससे पहले मेरे को एक और काऊ लानी पड़ेगी, नहीं तो ना काऊ जो अंदर नहीं जाती है, उसका रीज़न ये है क्योंकि अपन खाने का रख देते हैं ना तो भाई काऊ उसके बाद नहीं जाती अंदर, तो मेरे को पहले जाके ना काऊ लेकर आनी पड़ेगी, उसके बाद में सारा काम करना पड़ेगा अपने को। चल चल आराम से घुमाते फिराते चलो भाई, लेट्स गो, बहुत ज़्यादा बढ़िया। ओ एक सेकंड, एक मिनट आराम से भाई, मेरे को ना इस पार करके जाना है इसको, ठीक है, क्योंकि मैं इसका यूज़ नहीं करने वाला अभी फिलहाल तो
इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ क्योंकि अभी आई थिंक एनिमल्स वगैरह लेकर आने की ज़रूरत है नहीं और अपने मेरे को ना, तो यहाँ इसमें अपना काम हो जाएगा। मेरे को बस एक वो लेकर आने, बीफ तो मैं ले आऊँगा, वो तो गाड़ी के अंदर ही ले आऊँगा आराम से चल ले। भाई इसका कितना सीन है भाई, कसम से गाड़ी अजीब तरह चलती है भाई, पूरी घूमती ही नहीं है भाई, एकदम पूरा स्टीयरिंग व्हील ना इसे घुमा देती है तब जाके घूमती है ये आराम से। एंड जनरल स्टोर किस साइड था वैसे, इधर ही है ना, हाँ ठीक है। भाई भूल जाता हूँ मैं लोकेशन इसकी, लाइक वहाँ से अपन पहली बार आ रहे हैं इस तरह से शॉर्टकट लेकर ना, आ रहे हैं लाइक जाते तो हर बार है लेकिन आ पहली बार रहे थे। चलो उतरते हैं इससे और यहाँ पे जाकर अपन ख़रीद लेते हैं एक और बीफ। अभी तो बंद हो नहीं रहा ना, अभी तो 11 बजे हैं ठीक है। ये ख़रीद लेता हूँ बीफ, खाओ, इसका काम अपना हो चुका है इधर, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और 800 डॉलर कट गए भाई मेरे, 800 में मेरे को फ़ायदा कितना होगा भाई, आई डोंट थिंक इतना फ़ायदा होगा अपने को इसके अंदर ना। लाइक इसका दूध आई थिंक शायद इसका जो चीज़ वाला दूध होता है, मे बी पता नहीं मेरे को, नॉट श्योर अबाउट इट, कि क्या पता कि सस्ता भी बिकता हो, आई मीन सस्ता भी बिक सकता है या फिर महंगा बिकता है ब्लू मोल्ड वाला, मेरे को पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं अभी। फिलहाल तो मैं अपनी काव को लेकर आ चुका हूँ हमारे बाण में और इसको अपन फटाफट से उतार देते हैं। आ जाओ इधर मेरे साथ साथ, आराम आराम से आओ, इसको मैं सारा साइड में रख दूँ क्योंकि आ नहीं पाएगी अदरवाइज। चलो इस काव को भी मैंने यहाँ पर रख दिया है और अभी अपन बनाने वाले हैं हमारे लिए इनके खाने की जगह, वो ज़रूरी है बहुत ही ज़्यादा। ये जो पानी का है तो पानी का अपन यहाँ बनाएंगे आराम से, इधर आ जाएगा एक, इधर को आ जाएगा और एक इधर को आ जाएगा, ठीक है बन जा। अबे बन जा भाई, लग क्यों नहीं रही। चलो पानी का इधर हो गया और पानी का इधर रखा है तो लास्ट में आएगा, एकदम इधर आ जाएगा और एक इधर की साइड आ जाएगा, लग जा भाई, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, ठीक है। छोटे वाले ही बनाता हूँ खाने की क्योंकि ना बड़े वाले रखेंगे ना तो फिर काव अगर मर गई तो भाई फिर अपन इनको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, लाइक यू नो, इसलिए मेरे को ये रखने पड़ता है क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है गेम है भाई, इसमें तो कुछ भी यू नो, इसलिए। चलो इसको यहाँ रख देता हूँ और इस वाले खाने को यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। कितना चाहिए, 6 चाहिए, उसमें भी 6 चाहिए, तो बहुत सारे चाहिए रहेंगे। और इसको जो है ना मैं रखने वाला हूँ एकदम यहाँ सेंटर में, और इसको रखने वाला हूँ अपन यहाँ सेंटर में क्योंकि अपने को सारा काम यहीं से करना पड़ेगा हैंडल फिर इसलिए। और एक बार में एक कैन भर जाएगी, और क्या चाहिए भाई अपने को, ये इधर रख देते हैं और अभी लेकर आते हैं। काफ़ी सारा प्लैंक अपने को निकाल के लेकर आना पड़ेगा। चलो अभी जितना मैंने प्लैंक लिया है ना उसमें ट्राई करते हैं, अगर इतने में हो जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लैंक तो बहुत सारा है सो अपन ला के रख देंगे यहाँ। तो वो तो 4 इसमें हो चुका है और मुझे लग नहीं रहा इसमें पूरा होगा भाई, बहुत सारा चाहिए कसम से भाई, कितना प्लैंक खाती है सारी चीज़ें यार। उस प्लैंक की भी कमी पड़ गई थी, मेरे को और लेके जाना पड़ेगा, आई थिंक 1 या 2 सेट चाहिए रहेंगे शायद से, या फिर इसमें हो जाएगा काम मेरा, नहीं इसमें नहीं होगा भाई। 2 प्लैंक के लिए मेरे को वापस आना पड़ रहा है, बताओ हद है यार, 2 ही नहीं मेरे को और चाहिए क्योंकि स्टेयर्स भी बनानी है, अभी मेरे को पेंट करना पड़ेगा ना पूरा का पूरा ये फार्म इसलिए। चलो इसको यहाँ लगा देता हूँ और इनका खाने का क्या सीन है वो देखने दो पहले, मशीनों से कहाँ लगाऊंगा मैं भाई इसकी, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। और खाने का इनका कुछ भी भर रहा है, कुछ नहीं भर रहा ना, तो मेरे को खाने का इनका भाई जल्दी जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, रुक जाओ पीछे की साइड में लगा देता हूँ, ठीक है। हाँ पीछे से कोई काम तो है नहीं इस जगह पर क्योंकि अपने को, सो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ जाते हैं और इसमें ना अपन ऐड करते हैं ये वाली जो विंड मिल है, नहीं हाँ विंड मिल भी ऐड करनी है और ग्रैनरी भी ऐड करनी है अपने को, ठीक है। तो इसको मैं लगाऊंगा कुछ थोड़ा रोटेट करके क्योंकि अच्छा लगता है भाई देखने में, फिर इसको चलो सामने से लगाता हूँ इस तरह से, इसको सेंटर में लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। रुक जाओ मैं बताता हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक इधर ग्रैनरी लगा देंगे और एक साइड ग्रैनरी लगा देंगे, ठीक है। तो खाना कभी ख़त्म ही नहीं होगा इनका भाई, आराम से एकदम चिल करके रहेंगे ये, इसको लगा देते हैं यहाँ पर। लेकिन भाई इसके लिए बहुत सारा मेटल चाहिए, आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास इतना सारा मेटल है कि नहीं है, तो समझे बहुत सारा चाहिए इसके लिए। लेट्स सी, 1, 2, 3 और आई थिंक ओवर लगेगा ना भाई, मेटल तो बहुत सारा चाहिए, आई होप सो कि मेटल काफ़ी हो भाई सारी चीज़ों के लिए। रुक जाओ चलो तो ये मेटल डालते हैं यहाँ पर, आई होप सो कि ये इनफ हो भाई, पता नहीं नॉट श्योर बट होना तो चाहिए, हो जाएगा साइज में काम अपना ना। यस यस हो गया काम हो चुका है। इस सारे सारा जो मेटल है इसको अपन वापस फटाफट से यहाँ पर रख देता हूँ क्योंकि अपने को अभी कॉन्क्रीट भी लेकर आना है। और एक सेकंड रुको, एक बार ना भर देता हूँ ताकि ये ऑटोमेटिकली भरने लग जाए फिर से, एक बार देखना पड़ेगा अंदर से खाना वाना भर रहा है कि नहीं भाई इनका। इसको चलो यहाँ रख देता हूँ और इसको भी यहाँ रख देता हूँ फिलहाल के लिए, बाकी मेरे पास कॉन्क्रीट तो है एक सेट तो है लेकिन आई डोंट नो एक सेट में काम होगा कि नहीं। 25 50 50 ना तो हो जाएगा ये आई थिंक, या हो जाएगा इस वाले में काम हो जाएगा अपना। यहाँ पर मेटल कितना सारा पड़ा हुआ भाई, ये देखो चलो इसका भी हो चुका है, इसको मैं पूरा रिफिल कर देता हूँ, $200 का खाना भाई। चलो ये पूरा भर चुका है एंड तो बस का रेंज देखो एक बार,
मेरे को लग रहा है ना शायद से इसके अंदर तो वैसे मैंने कुछ रखा ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ का तो, बट लेट्स सी इसका तो पूरा काम हो जाएगा ना। हाँ भाई मतलब हमारी ये वाली फैक्ट्री तो पूरी कवर्ड अप है तो कोई सीन नहीं है यहाँ का तो, है ना। मतलब कभी भी अपने जानवर जो है भूखे नहीं मरेंगे, मेरे को बस आके बार बार ना खाना खिलाना पड़ेगा, नहीं तो क्या पता भाई कब क्या हो जाए यहाँ पे, इसलिए समझ रहे हो गाइस। और ये सारा सारा जो मेटल वगैरह ना भाई इसको मैं रख देता हूँ। ओके तो ये लेते हैं येलो कलर और इसको पेंट करना शुरू कर देते हैं। मेरे को बस बाहर से मैं अंदर से बाद में कर दूंगा, ठीक है अभी सिर्फ बाहर से कर रहा हूँ, या फिर अभी कर दें कोई सीनियर, रुक जाओ देखते हैं कैसा लगेगा अपना येलो वाले कलर में फैक्ट्री जो है। तो बढ़िया ही लग रहा है, नॉट बैड ना, या इट्स गुड। और यहाँ करते हैं, इसको भी कर देता हूँ। यार मेरे को ना पहले कलर कर देना चाहिए था खाने का, पर यार फिर खाने का भी सीन बैठ जाता है इनका, इसलिए तो पहले करना ज़रूरी था वो सब। एंड आई थिंक येलो में बेहतर लग रहा है, मतलब बढ़िया है, नॉट बैड यार। जो येलो कलर यहाँ से लेते हैं, येलो कलर तो बहुत यूज़ होने वाला, तो मैं यहीं पे ना बाहर निकाल लेता हूँ इसके सेट वेट जितने भी है भाई, ये निकाल लेता हूँ। और अबे यार प्लैंक की ऐसे की तैसी भाई, इसको रखना यार अंदर। यहाँ तो भाई येलो कलर बहुत यूज़ होने वाला है जितना मुझे लग रहा है। लगा दे भाई इसको भी, और इसको भी लगा देते हैं। अंदर से येलो कर दूँ, येलो ही करना पड़ेगा भाई, अंदर से पूरा येलो होगा ये। इस नहीं, ये नहीं करना, सिर्फ ये नीचे का पार्ट करना है येल्लो मेरे को, और ये दीवारें करनी है येल्लो, ठीक है। इसको लगा, अरे लग जा भाई, इसको लगा देते हैं यहाँ पर। ये वाली मशीन तो अंदर क्यों आ रही है भाई, अभी ऐसा थोड़ा सीन होना चाहिए भाई ऐसे हैं। चलो इसको यहाँ लगा देते हैं, और एक और सेट चाहिए मेरे को बस अंदर का कलर करने का। इधर का काम हो चुका है, अच्छा है मैंने यार ऊपर ना ये लगा दिया, नहीं तो मेरे को ऊपर भी ना बहुत सारा पेंट यूज़ करना पड़ता, अभी इतना यूज़ नहीं करना पड़ेगा, पेंट बच जाएगा अपना। या भाई सही है भाई, ये क्या ऊपर का करेगा क्या कलर, मेरे को लग रहा है तो ऊपर का रहने देता हूँ। इसको अंदर से कर देता हूँ, और ये भी अंदर से कर देते हैं। और कुछ बचा है यहाँ पे? नहीं ना, इसको कर देता हूँ ज़रा, ये हो जाएगा पूरा का पूरा येलो का। ऊपर मैं अंधेरे का कुछ लगा दूँगा, डार्क कलर थोड़ा सा। और उससे पहले मेरे को बनानी है यहाँ पर एक स्टेयर्स टाइप का, ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूँ भाई। चलो तो ये बना दिया मैंने स्टेयर्स, और जो प्लैंक बचा कुचा है इसको मैं वापस रख देता हूँ ऊपर, तो यहाँ से लेके चलते हैं। वैसे तो ऊपर मेरे को वाइट कलर करना रहेगा, तो अबे यार ये कहाँ अटका दिया मैंने खुद को भाई, रुक जाओ मैं बाहर से कलर कर देता हूँ पहले जो येलो वाला है ना, क्योंकि ये करना ज़रूरी है भाई। अबे यार इसका ना अलग ही दिक्कत है भाई, इसको यहाँ रखता हूँ, और ये वाला एक और कलर लगेगा बाहर से। अंदर से तो मैंने पूरा कर दिया, बस बाहर का बचा हुआ है इसको करना बाकी है। ये कर देता हूँ यहाँ पर, ये कर देता हूँ इधर, ये कर देता हूँ इधर, और ये कर देता हूँ इधर, ठीक है बहुत ही ज़्यादा सही। एंड आई थिंक एक दो कलर और बचा है, बाकी तो अपना काम हो जाएगा यहाँ का। यस ये बचा हुआ है, और अरे मैंने गलती से कहीं और कर दिया। ओके ठीक है, अभी ऑल गुड है। इसमें भी मैं वाइट तो लगाऊंगा भाई, वाइट के बिना तो भाई कहीं थीम ही नहीं आती कोई बढ़िया सी इसमें है। ओके रुक जाओ, येलो में यही रहने देता हूँ, क्योंकि कभी कभार ना मिसक्लिक हो जाता है तो मेरे को फिर बार बार दिक्कत बैठेगी, इसलिए तो यहाँ से वाइट कलर में ना काफ़ी सारा ख़रीदा था ना, दोबारा ख़रीद के लाया था ऐसे जो ना मुझे याद है। यहाँ से वाइट कलर निकालते हैं, और या बॉयज़ इसको पेंट करना अपन शुरू कर देते हैं। पहले ऊपर चढ़ते हैं, पहले ऊपर का पार्ट में पूरा कर देता हूँ, रुक जाऊँ। यहाँ लगाते हैं, इधर लगाते हैं, इधर उधर, भाई कितना सारा लगेगा भाई। वाइट कलर तो यार पता नहीं सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, आई डोंट नो व्हाई। मतलब कसम से भाई, मतलब ये जो है ना वुडन फ्रेम जो है गेट वाले, बहुत ज़्यादा कलर खाती है भाई ये। चलो इधर कर दिया है, इधर का भी कर देता हूँ इसको पूरा, ये देख रहे हो मल्टीपल टाइम भाई, ब्रो कम ऑन यार, इतना कलर थोड़ी ना खाते यार कोई चीज़। चलो इधर का हो गया आई थिंक मेरे हिसाब से, इधर का भी हो जाना चाहिए है। ओके और ओके यहाँ पे पूरा का पूरा वाइट कलर का जो काम था पूरा हो चुका। नहीं यार एक जगह बच गई भाई, कसम से एक चीज़ के लिए मेरे को अपना पूरा यहाँ से वाइट कलर का डब्बा उठाना पड़ेगा, और उसको फिर वापस भी ला के रखना पड़ेगा। एक सेकंड, एक नहीं बचा भाई, बहुत सारा बचा है अभी तो यार। अच्छा हाँ अंदर का भी तो करना है ना इसको पूरा पेंट भाई साहब। रुको रुको रुको, ये भी तो करना है भाई, इसका तो भूल ही गया था मैं, मिस क्लिक ना हो बस कहीं पे भी, क्योंकि फिर वो सीन करा देगा मेरा खाम का। अबे यार अंदर से तो बहुत सारा बचा है भी आई थिंक अभी। अरे यार अभी तो मेरे को लगा पूरा हो गया, अब क्या बच गया भाई, हेलो आई थिंक अभी शायद से पूरा हो गया है गाइस, वाइट कलर का काम भी जो भी था प्रोबेबली, नॉट श्योर। इसको मैं वाइट कर देता हूँ, या ओके दैट्स गुड। रुक जाओ ज़रा, मेरे को ये भी लगाने का है येलो कलर, इसको यहाँ कर देता हूँ पेंट, और इधर का तो चलो पूरा हो गया। यार इधर कैसे वाइट कलर बचा हुआ है, कसम से भाई अभी तो मैंने सारा पेंट किया था वाइट कलर, ये देखो कहीं ना कहीं तो वाइट कलर बचता रहता है बिना बात के भाई। अच्छा मैं बाहर से भी शायद से पेंट कर सकता हूँ ना अंदर वाला जो हिस्सा होता है, प्रोबेबली नॉट श्योर, बट ठीक है। चलो यहाँ का काम हो चुका है, अभी मेरे को फाउंडेशन का भी करना है क्योंकि वो ब्राउन होता है इसलिए, तो फाउंडेशन के लिए ये लेते हैं। आई थिंक इतना तो कलर काम हो जाएगा, इतने में करना चाहिए मेरे को तो,
यार ये मेरे को डर लग रहा था, लगा गलती से क्लिक हो गया ना ऊपर कहीं नीचे ऊपर नीचे, तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, उतना ज़्यादा कलर लग रहा है यहाँ पे कसम से भाई। अच्छा ये लास्ट बचा है लॉल, मेरे को लगा और ज़्यादा बचा हुआ है, पर हो गया आई थिंक इसका काम भी। चलो हाँ इसका भी पूरा काम हो चुका है। और गाइस यहाँ पे आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं, अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है काम पूरा। रुक जाओ अभी तो दीवारें बची हुई अंदर की भाई, उस पर लगेगा। रुक जाओ उसको लगाने से पहले मैं ग्रे कलर कर देता हूँ ज़रा। इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, और अंदर की साइड तो मेरे को वाइट करना है, वो तो या वो तो करना ही पड़ेगा। चलो ये कर देता हूँ, ये इधर, ये और ये भी। अरे भाई कलर कैसे ख़त्म हो सकता है भाई, कलर हैं एक, बस एक जो कलर बचता है ना उसकी वजह से मेरे को 10 बार यहाँ पे घूमना पड़ता है भाई, कसम से यार हद होती है। रुको इसको भी पूरा कर देते हैं, और ये जो मेरे गेट्स हैं ना इनको भी मैं यही कलर का कर देता हूँ। चलो बहुत बढ़िया, और ये भी सही है, और ये जो है ना इसको मैं वाइट कलर का रखूँगा, ठीक है बहुत बढ़िया। अभी अपन करने वाले हैं एक और चीज़ जो कि है ये ब्लैक कलर, ठीक है ये ब्लैक कलर लगेगा ऊपर की साइड में जो कि अपन हर बार लगाते हैं। ये जाएगा यहाँ पर आराम, ओए अभी गलती से कहीं और क्लिक हो जाता भाई मेरे से, आराम से यहाँ इधर, क्योंकि भाई 2 बार काम नहीं करना मेरे को सेम चीज़ का कसम से भाई। चलो इस बार अच्छे से ख़त्म हुआ है सारा का सारा पेंट, और अच्छा भी लग रहा है भाई इस बार तो अपना जो पूरा का पूरा है ना फ्रेम वगैरह बढ़िया लग रहे हैं। इस वाले कलर को ना मैं जो दरवाजे हैं ना यहाँ के, और दरवाजे खाने नहीं खाने में करता हूँ इसको, मैं खाने पानी का कर देता हूँ, और इसको भी कर देता हूँ। ओके ब्लैक कलर जितना यूज़ करना था मैंने कर दिया है, अभी अपनी बारी है ग्रे कलर को वापस यूज़ करने की, क्योंकि अपने को दरवाज़ों में लगाने उन कलर को। आई थिंक दरवाज़ों में सही तो लगेगा वैसे, हाँ सही लगेगा। इसको कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ठीक है बहुत सही लग रहा है, नॉट बैड। अभी मेरे को वाइट कलर करना है, क्योंकि उसका जो नीचे का है ना वो मैंने वाइट कलर का करना था। 5 तो नहीं, मैं 5 वाला लेके नहीं जा रहा इस बार, मैं लेके ही जाऊँगा बढ़िया वाला सेट, मतलब बार बार आना ही नहीं है भाई इधर। चलो अभी मेरे को ज़मीन पे करना है सारा कुछ, आई मीन फ्लोर पे। इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, और अबे हट जा यार, ये इधर लग जाएगा, और यहाँ पे कलर कर देते हैं, ठीक है अच्छा लगेगा यार इससे, इसलिए तो ये जब भी हगेंगे तो भाई पता लगेगा ना कहाँ पे हगा हुआ है, इसलिए गोबर कर देंगे ना ये। चलो ये यहाँ कर देते हैं, और आई थिंक यहाँ अंदर का जो कलर पेंट था ना सब कुछ अपन ने कर दिया है गाइस अच्छे से, एंड इट्स लुकिंग प्रीटी गुड, नॉट बैड या मेरे हिसाब से तो बढ़िया लग रहा है, तुम लोग मेरे को बताओ। बाकी इसको मैं तोड़ देता हूँ, ये फालतू बनाया मैंने। चलो तो गाइज मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी साफ़ सफाई कर दी है, और हमारी बीफ फैक्ट्री यहाँ पे तैयार है एकदम अच्छी खासी। इसको करते हैं ओपन, और यहाँ से आते हैं अपन अंदर, यहाँ लाइटें वाइटें सारी चली हुई है, यहाँ पे हमारी सारी सारी बीफ्स हैं, और यहाँ पे इनका खाने पीने का है, यहाँ पे मशीनें रखी हुई हैं, और यहाँ से बस दूध ले जाके मेरे को वहाँ पे रखना है, ठीक है ज़्यादा कुछ काम नहीं करना। और बट यार हमारी यहाँ पे फैक्ट्री जो है फाइनली तैयार हो चुकी है, एंड गाइस तुम लोग मुझे बताओ कि कमेंट में आखिर कैसी लग रही है हमारी फैक्ट्री। तो गाइस यार आज के इस एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं, आई रियली होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो, अगर मजा आता है नीचे लाइक बटन दबाना, सब्सक्राइब चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।